हाय मैं हूं कमाल आर खान आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा वेल well, आज हमारे साथ हैं वन ऑफ ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स बॉलीवुड के के आर आर कमाल खान बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा में फिर से uh, कमाल भाई थैंक यू uh, और ये इंटरव्यू मुंबई में हो रहा है एंड ही इज इज बैक इन मुंबई उन्होंने अपनी <laughs> धमकियां वापस ले ली <laughs> ये धमकियां जो आप देते रहते हैं कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के मैं चला जाऊंगा एंड फिर आप उसमें वापस आ जाते हैं और मैं ट्विटर छोड़ दूंगा एंड एंड करण जौहर से मैं सेक्स चेंज करा के शादी कर लूँगा ये सब चीज़ें मतलब कुछ आपको लगता है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आजकल नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है राइट ये तो पिछले साल जी जुलाई की बात है जुलाई में ट्विटर पे कुछ डिस्कशन हो रहा था कई लोगों के बीच में और मैंने उस वक्त कह दिया था कि भाई अगर मोदी जी पीएम बन गए तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा तो जब मोदी जी पीएम बने तो मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया बट मैंने ये थोड़ा ही कहा था वो शेयबर शोब अख्तर के साथ में आप गए थे <laughs> शेब अख्तर साहब मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए जब मैं जा रहा था तो एयरपोर्ट पे मिल गए हम दोनों बराबर बराबर हमारी सीट थी उनका भी शायद कुछ आई वगैरह का काम ख़त्म हो गया था तो वो तो वहाँ मुझे मिल गए थे उनके साथ तो मैं नहीं जा रहा था ज़ाहिर सी बात मैं तो दुबई जा रहा था राइट बट मैंने ये कभी नहीं कहा था कि भाई मैं काम करने नहीं आऊँगा मैंने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा तो मैं चला गया तो अब तो मैं काम करने आया हूँ मेरे विलेन के गाने की शूटिंग थी अभी डबिंग चल रही है फिर प्रमोशन चलेगा तो ज़ाहिर सी बात है काम तो करूंगा नहीं तो हाँ। लेकिन फिर आ, आप मतलब ये भी खबरें भी दैट आपने मतलब कुछ इस का शाहरुख खान साहब से मुताल आपने आपने कह दिया शाहरुख खान साहब भी कोई ट्वीट है वो बेसिकली वो उसको मॉर्फ करके सच मेरे से किसी ने करने की कोशिश करी थी लेकिन उसमें नाम आपका आया कि वो के आर के ने ये किया है सच तो उसके बारे में क्या किया है जी वो ट्वीट सेम आमिर खान का भी है कि मैं अगर मोदी जी पीएम बने हिंदुस्तान छोड़ दूंगा मॉर्फ करके किसी और सलमान खान का भी है कि अगर हिंदुस्तान अगर वो पीएम बने तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा शाहरुख खान का भी है तो मैंने क्या करके करके। वैसा ही, वैसा कहा नहीं है वैसा ही मेरा एक ट्वीट है जो ये कहा गया कि भाई मैं सेक्स चेंज करके करण जोहर से शादी कर लूंगा वो भी मॉर्फ है वो मेरा ट्वीट नहीं है वो मैंने कभी ट्वीट नहीं किया आपने नहीं किया नहीं, था, था। नहीं। तो मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी कि देखिए भाई मैंने कहा कि क्या शाहरुख खान साहब ने यह कहा है क्या आमिर खान साहब ने यह कहा है क्या सलमान खान साहब ने यह कहा है और फिर मैंने उसके ऊपर ट्वीट कहा किया कि नहीं इन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा यह सिर्फ मैंने कहा था कि अगर मोदी जी पी एम बने तो मैं इंडिया छोड़ दूंगा और ये ट्वीट जो है ये फेक ट्वीट है सेम उसी तरह जैसा मेरा सेक्स चेंज करने का फेक ट्वीट है तो ट्विटर पे आजकल देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त हो गई है तो लोग कुछ भी ट्वीट बना के कुछ भी डाल देते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है तो मेरा वो ट्वीट करने का मतलब सिर्फ ये प्रूव करना था कि भाई ये फेक ट्वीट है और इसी तरह मेरे भी बहुत लोग बहुत सारे फेक ट्वीट बनाते हैं जो मैं नहीं कहता हूं लेकिन यू नो कमाल भाई ये एक बहुत से लोगों का मानना है कि दैट आ, बहुत बार आप जो बहुत से आपके जो ट्वीट्स होते हैं या फिर आप जो भी कहते हैं तो वो एक अटेंशन के लिए होता है कि आप यू लाइक द क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी और फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर हंगामा होता है और आप पब्लिसिटी में आपको आपको बड़ी खुशी मिलती है अब ये आप, क्या सच्चाई है इसके अंदर के गलत है अब आप मुझे ये बताइए जी बताएं जैसे मैंने कहा कि मैंने एक साल पहले ये कहा था जय की अगर मोदी जी पीएम बन गए तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा तो वहां कहां कंट्रोवर्सी थी वहां मुझे कब पता था कि मोदी जी वाके ही पीएम बन जाएंगे मतलब दुनिया के बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित भी यह नहीं कह सकते थे कि यूपी में बीजेपी की बहत्तर सीट आ जाएंगी अस्सी में से यूपी में मायावती जी की जीरो सीट आएगी ये किसी ने कहा था क्या नहीं चलिए ठीक है वो तो ये, आपकी, नहीं, वो वो नहीं मैं आपकी बात मान रहा हूं क्या कह कि मेरा मतलब मुझे 100 परसेंट यकीन था कि भाई मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे तो मैंने वो कह दिया था मुझे क्या पता था कि सच हो जाएगा